हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। मैं पारुल राणा आज आपके लिए लेके आई हूँ मोहाली के अंदर एयरपोर्ट के नज़दीक प्रॉपर्टी जो रहने वाली है ऑन हाईवे विद ऑल फैसिलिटीज। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस रियल्टीज ग्रुप पे। तो आज के जो आपका टूर होने वाला है फ्लैट का, वो बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं ये जो पीछे आप स्ट्रक्चर मेरे है, वो अपना ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन में है, मेवान कंस्ट्रक्शन है। सारी की सारी फैसिलिटीज़ इसमें कवर है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं फ्लैट में। तो अब हम आ चुके हैं अपने सैंपल फ्लैट के बाहर। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपकी आ जाती है मेन एंट्रेंस जो आपके घर की रहने वाली है विद स्मार्ट लॉक। एंड ये आपको बताना चाहूँगी एक फ्लोर पे जो है वो 4 अपार्टमेंट्स आपके आ जाएंगे। स्टेयरकेस एंड लिफ्ट एरिया आ जाएगा आपके जो है। इसमें सर्विंग क्वार्टर की जो एंट्री है वो अलग से रहने वाली है एंड अटैच रहेगा आपका 3 BHK के साथ। तो आइए एक बार अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें और साइज़ क्या क्या हमें मिलने वाला है इसमें। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं मेरे साथ, वो आपको एक सेपरेट एरिया इसमें लिफ्ट के साथ मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो ये हम आ चुके हैं अपने सैंपल फ्लैट में। आप जैसे मैं एंटर हो रही हूँ यहाँ पे, आप स्पेस देख रहे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पेस है। एक प्यारा सा स्पेस हमें यहाँ पे मिल रहा है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये इसके बाद जैसे ही हम आगे आते हैं यहाँ पे आ जाता है हमारा एक पाउडर रूम। और इससे आगे जो है आ जाता है लिविंग एंड डाइनिंग एरिया जो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम उसके बीच में भी मतलब यहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं, टीवी में मूवी का एंजॉय ले सकते हैं, स्नैक्स वगैरह का। किचन बिल्कुल नियर आ जाती है इसके। तो पहले मैं आपको लिविंग एरिया एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे लिविंग एरिया जो है काफ़ी स्पेशियस लिविंग एरिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोक्स आपका 10 सीटर जो है वो सोफ़ा सेट लगा हुआ है। उसके अलावा टेबल एंड जार्स वगैरह आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो डेकोर किया है इस एरिया को। शैंडलर सो ब्यूटीफुल, मतलब एक चीज़ होती है कि वो आपके घर को ना एकदम यूनिक सा बना देते, काफ़ी इंटीरियर जो है इंटीरियर बोल सकते हैं हम उस चीज़ को। तो अब हम चलते हैं यहाँ के फर्स्ट बेडरूम में। तो आपको फर्स्ट बेडरूम बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही स्पेशियस है। आप देख सकते हैं किंग साइज का बेड है। उसके अलावा भी काफ़ी स्पेस है कि आप यहाँ पे चेयर एंड टेबल जो है सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मूवी का एंजॉय ले सकते हैं नाइट में। एंड शैंडलर की बात करूँ तो ब्लैक कलर में तो बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा है ये। आपकी फॉल सीलिंग इसमें एज इट इज़ आ जाएगी विद LED लाइट्स। टाइलिंग वर्क आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये है आपका रूम का स्पेस। तो अब हम आ जाते हैं क्लोजर ड्रेसिंग एरिया वाली साइड में। तो ये आ जाता है हमारा मिरर के साथ में ड्रेसिंग एरिया। सी इट्स अमेजिंग लुक। ये आपकी जो आ जाती है यहाँ की वार्डरोब। एंड इसी के साथ आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम का वॉशरूम। वॉशरूम की बात करूँ, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है आपका। ये एक सेपरेट एरिया दिया है ताकि एक प्राइवेसी जो है वो ओपन ना हो इस कॉन्सेप्ट में भी। तो ये है आपका फर्स्ट रूम। तो आइए अब चलते हैं हम आगे। तो ये आ जाता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था लिविंग एरिया जो काफ़ी ही स्पेशियस है। तो अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ घर के मेन अट्रैक्टिव पॉइंट की, जो आपका रहने वाला है किचन एरिया। किचन एरिया की मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपसे स्पेस की। जब भी आपको किचन में एंट्री होता है तो एक स्पेशियस वाला फील होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको वही फील होने वाला है। ये आ जाता है आपका फ्रिज का एरिया। ये आपका आ जाते हैं कैबिनेट्स जिसमें स्पेस भर भर के दिया है। इस तरीके से कैबिनेट्स आपके आ जाएंगे। और स्पेस की अगर मैं बात करती हूँ कि जब हम कुकिंग करते हैं तो हम ना हमारा सामान इधर उधर भी घेर देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है तो हम मतलब ऐसा काम कर सकते हैं। डबल साइड यहाँ पे आपको सेल्फ मिल रही है। ये आपका आ जाता है ड्राई एरिया।
और आपको एक और चीज बताऊंगी, यहाँ पे जो वेट एरिया है वो आपका आउटसाइड आपको दिया है विद डबल सिंक, एंड इसमें आपको आपके हाथों का भी ध्यान रखा है इंटीरियर के अलावा कंपनी ने। इसमें आपको डिशवॉशर भी जो है वो आपको मिल रहा है इसमें। ऑफ कोर्स इतने बड़ा घर है तो 2-3 सर्वेंट तो आपके होंगे ही, इन द केस अगर सर्वेंट ना आए तो आपको अपने हाथों का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है आपका स्पेस ओवन एंड ओटीजी का, काफ़ी स्पेशियस है, लग्जरी फ्लैट है। लग्जरी तो आप मेरे साथ देख ही रहे हैं, काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट है ये लग्जरी के आ जाते हैं आपके। ये आपका आ जाता है क्रोकरी एरिया, तो ये मैंने आपको सारी किचन आपको एक्सप्लेन कर दी है, स्पेस का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, काफ़ी स्पेस है आपका। एंड इसमें मैं आपको बता देती हूँ एल्स शेप में जो है ये आपका यूटिलिटी एरिया आ जाएगा। इसके साथ के साथ ही आपका जो है सर्वेंट क्वार्टर का एक्सेस आपकी यूटिलिटी एरिया के साथ भी रहने वाला है। तो किचन तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने वो एरिया बताया जहाँ पे खाना बनाया जाता है, तो अब बारी है आपको जहाँ पे खाना खाया जाता है मतलब डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग आप एरिया मेरे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस दिया है यहाँ पे। डाइनिंग एरिया में भी आप चाहते हैं तो यहाँ पे अपना 12 सीटर जो है डाइनिंग आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको इतना स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। फुल सीलिंग जो है वो आपकी पूरे फ्लैट में ही एज इट इज़ रहने वाली है एक ब्यूटीफुल वाइब्स के साथ। तो ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा मंदिर, तो आप यहाँ पे अपना जो है मंदिर जो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ और यूटिलाइज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, हम तो आपको आइडिया ही दे सकते हैं। तो वॉल डिज़ाइनिंग भी आप मेरे साथ देखते जाइए, क्योंकि वॉल डिज़ाइनिंग भी यहाँ पे बहुत प्यारी सी दी हुई है एक प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब हमारी टर्न आती है सेकेंड रूम की, आइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम आ चुके हैं अपने सेकेंड रूम में, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग लाइक किड्स रूम बोलना चाहे वो भी बोल सकते हैं, गेस्ट रूम बोलना चाहे वो भी बोल सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस जो है ये रूम आपको मिलने वाला है, और इसके साथ साथ मैं बता दूँ यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है किस चीज़ का, कि यहाँ पे ना मुझे हर कहीं पे जो है वो मिरर दिख रहा है। मतलब एक होता है कि मिरर बहुत पसंद होता है कईयों को, तो लाइक मुझे भी सेम वाइब्स है कि मुझे मिरर बहुत पसंद है। मतलब यहाँ पे आपको वार्डरोब्स में मिरर मिल रहा है, एंड इसी के साथ ये आपकी आ गई ब्यूटीफुल सी वार्डरोब्स, जिसका स्पेस की मैं आपसे बात करती हूँ। काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पे वार्डरोब में मिल रहा है। आपका आ जाता है किंग साइज का बेड, इसके साथ टेबल। एंड डेकोरेशन की बात करूँ तो अगर आपने किड्स रूम बनाना है तो इंटीरियर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ आप लगा सकते हैं अपना LED पैनल, और लाइक वॉल अगर डेकोरेट करनी तो ग्रीनरी अपने अकॉर्डिंग, दैट्स योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके साथ स्पेस की मैं बात करूँ आपकी आ जाती है वुडन फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग के साथ साथ ही आपका जो इस रूम का एक्सेस रहेगा और रनिंग बेल्कनी के साथ रहेगा। एंड यहाँ पे आपका एक और चीज़ है जो आ जाता है आपका वॉशरूम एरिया, तो इसमें जो है अटैच आपका वॉशरूम आ जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, फुल आपकी टाइल वर्क रहेगा उसमें, आप देख पा रहे हैं जैसे कि वीडियो में, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो ये आपका आ गया सेकेंड रूम, तो अब हमारी बारी है अपने थर्ड रूम में जाने की, आइए। तो मैं अब लेके आ गई हूँ आपके लिए आपका मास्टर बेडरूम, जिसकी आपको बहुत वेट थी पूरी वीडियो में। तो मैं एंटर कर चुकी हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। ये आप जो स्पेस देख रहे हैं एज अ स्टोर रूम, और आपको जिसे भी कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस रूम है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ, ये देख ही सकते हैं आप मेरे साथ, बेड लगा है आपका, यहाँ पे अलग सी टेबल डिज़ाइन है, और ये आपका आ जाता है सोफ़ा एरिया। यहाँ पे आप अपना एक सोफ़ा भी लगा सकते हैं, सेटी जिसे बोलते हैं, तो डोंट डिस्टर्ब लिखा है फिर भी मैं बैठ गई तो ये आपका एरिया आ जाता है, आप स्पेस देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग स्पेस आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम में मिल रही है। बेड का साइज़ तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें बेड का भी। एंड वॉल डेकोरेशन वगैरह A to Z आपकी ना, मतलब एक पीस ऑफ वाइब जैसी होती है ना,
वैसा आपको फील होगा कि अमेजिंग सा पीस जो होता है वैसा आपको फील होता है यहाँ पे। तो इसी के साथ ये आपका एरिया आ जाता है वॉर्ड्रॉब्स का, जिसमें वॉर्ड्रॉब्स जो हैं वो आपको कुछ इस तरीके से दिए हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारे वॉर्ड्रॉब्स इसमें आपको मिल रहे हैं, राइट, मिरर वॉर्ड्रॉब्स हम बोल सकते हैं ऐसे। बोथ साइड आपको आ जाते हैं वॉर्ड्रॉब्स। तो ये आ जाता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम साइज की बात करें तो काफ़ी स्पेशल, इसके पीछे भी स्पेस है, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे फिटिंग्स की बात करूँ, ग्रोहा की आपकी फिटिंग्स आ जाएंगी, पार्टीशन आ जाएगा, मतलब बहुत सुंदर है वर्ड्स। कई कबार कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं बट हमारे पास उस चीज़ों के वर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वही चीज़ है। तो एक और चीज़ जो है यहाँ का मेन जो है, बोलते हैं कि मास्टर बेडरूम जो है वहाँ पे आपको बेल्कनी एरिया ज़रूरी होता है। तो जी हाँ, आपको यहाँ पे बेल्कनी एरिया मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो है बेल्कनी एरिया आ जाएगा, जिसका एंट्रेंस जो है इस रूम से, एंड आपका जो सेकंड रूम मैंने आपको बताया उस रूम से एंट्रेंस रहेगा। और स्पेस आप देख सकते हैं मेरे साथ कितना ब्यूटीफुल स्पेस है यहाँ पे। तो ये है रश्मि मैम जो यहाँ पे सेल्स मैनेजर हैं। जो भी प्रोजेक्ट की प्रॉपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, क्या क्या हमें मिल रहा है वो हमें आज वो एक्सप्लेन करेंगे रश्मि मैम। तो मैम बताइए थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में। यस डेफिनेटली, हम लोग जो एमिनिटीज से पहले कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, सबसे पहले कि हम लोग मिवान कंस्ट्रक्शन जो आप देख सकते हैं, हम बाहर मिवान कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, सुपर स्ट्रक्चर हमारा रेडी है, पोजेशन इसका है 2025 अप्रैल में। और एमिनिटीज़ की बात करें तो हम लोग टोटल प्रोजेक्ट में 5 क्लब हाउसेस दे रहे हैं, 4 मिनी क्लब हाउस, 1 मास्टर क्लब हाउस। उसके अलावा स्पोर्ट्स जोन जैसे कि मिनी गोल्फ कोर्स आ गया, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच है, बास्केटबॉल प्रैक्टिस पिच है, टॉट लॉट्स आ गया, जॉगिंग ट्रैक है, स्विमिंग पूल है, काफ़ी सारी एमिनिटीज़ ऐसी है जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ही आपको मिलेंगे और जो कि नोबल कलिस्ता में मिल रहे हैं। तो सैम्पल फ्लैट मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्या क्या एमिनिटीज़ इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो इस प्रोजेक्ट में विजिट करने के लिए क्या करना है, आपको दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है और विजिट करना है। प्रोजेक्ट काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये प्रोजेक्ट है एंड मेन हाईवे की लोकेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करें ताकि हमारी जो न्यू अपडेशंस हैं आप लोगों तक पहुंचती रहे। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।